दोस्तों मई जून जुलाई महीने में एप्पल बेर या फिर कोई भी बेर के पत्तों में ये समस्या ज़्यादातर देखा जाता है। ये अटैक नाजुक पत्तियों में ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण पूरे पत्ते में छेद सा हो जाता है और पौधे कमजोर पड़ जाता है। ये समस्या बेर का तितली यानी जारुकास थियोफेस्टस के कारण होता है। इस तितली का लार्वा स्टेज के दौरान पत्ता खाने के कारण ये समस्या देखा जाता है। नए पत्ते खाने के कारण स्पाउटिंग में दिक्कत आता है और पत्तों की कमी हो जाने के कारण पौधे को खाना बनाने में दिक्कत होता है। इस समस्या से पूरी तरीके से बचने के लिए पूरे पौधे को नेट से कवर कर देना चाहिए, ताकि तितली पत्तों में अंडा ना दे सके। अगर आपके प्लांट 2 से 3 साल का है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपका प्लांट अगर बड़ा है तो ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तब इस समस्या के जैविक रोकथाम के लिए आप प्रिवेंटिव तौर पे ऑर्गेनिक रिपेलेंट अग्नियास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नियास्त्र 10 मिली प्रति लीटर का इस्तेमाल करके आप जारुकास के लार्वा के अलावा अन्य कीट को कभी रोकथाम कर सकते हैं। अग्नियास्त्र का इस्तेमाल आपको समस्या आने से पहले या फिर समस्या की शुरुआती स्टेज पे करनी है, तभी आपको अच्छी रिजल्ट मिल पाएगा। अग्नियास्त्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। केमिकली इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इमिडाक्लोरोपीड का इस्तेमाल 1 मिली प्रति लीटर के डोज पे कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपीड मार्केट में कई नाम से आते हैं, जैसे टाटा रिलीज का टाटामीडा, बायर का कॉन्फिडर, UPL का इमिडा गोल्ड प्लस। इसके अलावा लैम्डा साइलोथ्रीन 1.5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाजार में लैम्डा साइलोथ्रीन कई नाम से आते हैं, जैसे सिंजेंटा का कराटे, इपको का यूरी, टाटा रिलीज का रिवा इत्यादि। इस 2 टेक्निकल का इस्तेमाल करके आप इस समस्या से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। समझ रहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक रिपेलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी कीट आपके पत्ते के ऊपर अंडा ही नहीं देगी, तो उसका लार्वा पत्ते में अटैक नहीं कर पाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।